अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज है संडे, तो संडे का दिन बहुत ही आराम से निकलता है, लेकिन आज बच्चे बहुत जल्दी उठ गए बिना परेशान किए हुए। आज वो सभी उठ गए जल्दी जल्दी, और उन्हें जल्दी उठते ही तकरीबन 8 बजे होने लगी है भूख। तो सुबह के वक्त में मैंने सबसे पहले चाय बना के तो रख दी थी, तो लेकिन उनको खाना है आज खाने में पोहा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा आलू, बहुत सिंपल और इजी तरीके से। तो आज अब्बा भी घर में है, तो अब्बा भी मुझे काम में हेल्प कर रहे थे। तो आज मैं बनाने वाली पोहा, क्योंकि बिकॉज सुबह का वक्त होता है और काफ़ी संडे हो या कोई भी दिन हो, हम लेडीज़ को कोई दिन टाइम नहीं मिलता है। तो आज बच्चे घर पे है सब लोग, तो मैं प्रिपरेशन करूँगी आलू बॉईल करने की। तो घर में पोहा नहीं था, तो मेरा बेटा मार्केट गया था और वहाँ से पोहा लेके आ गया। साथ ही साथ आज पोहा और आलू बनाने का था, तो ये कुछ आलू भी है, तो आलू भी उसने लेके आ गया। तो अब मैं प्रिपरेशन करूँगी, सबसे पहले मैं आलू को बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो मेरा रोज का रूटीन है ये कि काम का कि मुझे कितना टाइम लगता है, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता है घर के अंदर काम करने के लिए। सुबह से मैं अभी उठी हूँ, तो सबसे पहले मैं कटिंग करके आलू रख रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी, बिकॉज़ आलू का जो कॉम्बिनेशन है पोहे के साथ बहुत अच्छा लगता है। और सुबह के ब्रेकफास्ट में आप ज़रूर ज़रूर ये आलू और पोहे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तीन हैं, और तीनों को अपने हिसाब से कोई बोलता है कि मुझे मेदू वड़ा खाना है, लेकिन मैंने सोचा बेटा आज मेदू वड़ा नहीं, आज हम बनाएंगे पोहा आलू, क्योंकि सिंपल और इजी तरीके से। तो आलू को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और इसके दो पानी से इसे वॉश करके इसे साफ़ धो लूँगी। कुकर में कम से कम ये 4 सीटी पे मैं आलू को गलाऊँगी। तब तक मैंने सभी जो कटिंग है वो करके रख चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ऑनियन बारीक कटे हुए, प्याज उसे कटिंग करी, एकदम बारीक काटना है आपको। साथ ही साथ मिर्ची है, 6 मिर्ची है बारीक कटी हुई, जो बिना स्पाइसी है, कड़ी पत्ता है और कोथमीर है। कड़ी पत्ता ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड करें। और मैं जा रही हूँ बच्चों के पास, तो ये देख सकते हो इनकी मस्ती, सुबह सुबह इन लोग की चालू हो गया। एक तो मोबाइल देख रही है और एक पूछ रहा है मम्मा क्या हुआ। हाँ बेटा, मैं बोली टीवी देखो बेटा, अपना कार्टून प्रोग्राम देखो और घर की सफाई मत करो। तो घर की सफाई करना रह गया है, तो ये अपने मस्ती में है अभी। तो ये रही मेरी गुंजो, इसको पता है सुबह का नाश्ता होने वाला है, तो इसलिए वो घर में जल्दी आ जाती है। देखो कैसे घूर घूर के देख रही है। तो ये रही पड़ोसी वाली आंटी की बिल्ली, जो बार बार इस घर में आती है और इतना परेशान कर रही है। जो दूसरी वाली बिल्ली है उनके बच्चों को लेकर जाके मुंह में दबा दबा के लेकर जा रही है, तो ये बहुत परेशान करके रखी इस बिल्ली ने मुझे। बार बार ये चेक कर रही है यहाँ पर वहाँ पर, मुझे लगा शायद उसने बच्चा दी है क्या कहीं, तो लेकिन कुछ भी नहीं, वो दूसरी वाली बिल्लियों को परेशान कर रही है बार बार। तो उसके हाल पर मैंने उसको छोड़ दी। अब मैं गई हूँ अंदर, लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये बार बार क्यों पुट्ठा चेक कर रही, तो मैंने उसे ओपन कर लिया। शायद उसको बैठना है अंदर, तो उसके लिए मैंने जगह दे दी हूँ अंदर, अच्छे से वो बैठना चाहती है अकेले में, क्योंकि बिल्लियों को ज़्यादा है ना सेफ्टी और अलग फ्री जोन चाहिए उनको, जितना स्पेस दे दो उतना वो आराम से बैठ सकती है। तो उसके हाल पर मैंने उसको छोड़ दी हूँ और मैं गई हूँ किचन में। लेकिन जाने से पहले मुझे मिली मेरी कैट, ये देख सकते हो आप, ये 6 बच्चे की माँ है, इसके सारे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं और ये अपने आराम से रहती है। और ये मेरी बेटी, क्या बोल रही, सुनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं जाने वाली हूँ मंडे के दिन। तो घर में बैठे बैठे ये भी ब्लॉगर बनना चाहती है, तो मैंने बोला पहले पढ़ाई पे ध्यान दो फिर ब्लॉगर बनो। तो सबसे पहला तो अभी देख सकते हो सारे बिल्लियाँ अपने मस्ती में हैं यहाँ पर, ये मस्ती करने में ये अपने गद्दे से खेल रही है। और ये मेरी कैट है, ये इन लोगों को भी भूख लगी है, लेकिन इनको मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट दे दिया था, इनको थोड़ा दूध चाहिए था, ये आराम फरमा रहे हैं। तो सारे कैट हमारे बहुत अच्छे से मस्ती करते रहते हैं, ये देखिए, जहाँ मौका नहीं मिला इन लोगों की लड़ाई चलते रहती है। तो खैर इनके हाल पर मैं इनको छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे किचन के और आगे के काम निपटाना है, क्योंकि आज है संडे और मंडे के दिन मुझे जाना है तैयबा को लेकर। तो आप देख सकते हो कचरा कितना पड़ा हुआ है सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो इनको उठे छुटे देखकर सिर्फ ये दोनों को टीवी चाहिए। एक बेटा बोल रहा है हाँ मॉम निकालो मेरी वीडियो, तो ये देखो टीवी ऑन करके रखा है उसने, उसका फेवरेट जो भी है वो गेमर का देखते रहता है, और बेटी बैठी है मोबाइल के अंदर। तो खैर मैं आ गई हूँ किचन पर यहाँ पर देखने के लिए, तो सीटी अभी तक हुई नहीं है, और जो ऑनियन है उसे अच्छे तरह से मैंने बारीक कटिंग करके रख दी हूँ।
तो ये मेरा बेटा मुझसे नाराज़ होकर चला गया वो रूम में, क्योंकि मुझसे बात नहीं करना चाहता है। कल उसने गलती कर दिया है स्टैंड गिराकर ऊपर से, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। तो खैर मैं उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं दूँगी, वो अपने इसमें मस्त है। तो यहाँ हमारी कैट है, आराम कर रही है उसकी जगह पर। क्या हुआ, आए इधर, आए इधर, क्या हुआ माँ? ये सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी माँ ये बनी है, 6 बच्चों की माँ, के बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े बड़े। तो जो ग्रे वाली कैट है, यानी ये पीछे वाली ये कैट, ये वाली जो बच्चे इसके है 6 बच्चे वाली माँ के, तो उसके बच्चों को लेकर वो मुंह में दबा दबा के लेके जाना चाहती है बार बार। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसको बाहर जितना रखना चाहती, क्योंकि बहुत लड़ाई कर रही है घर में। तो देखते देखते कुकर की सीटी होने आई है, तो ये कम से कम 4 से 5 सीटी अच्छी तरह से आलू आपको बॉईल करना है, तभी जाके वो मज़ा आएगा। तो रोज़ का रूटीन मेरा इसी तरह से चलता है, काम भी देखना है और ये भी करना है। साथ ही साथ मैंने सोचा अपने बेटे को अभी काम भी सिखाना है कि कैसे इस फील्ड में हम लोग जो काम करते हैं वो कैसे काम करना है। तो कुकर की सीटी मैं 4 सीटी करवाऊँगी। तो ये बच्चा आप देख सकते हो, ये वाली जो कैट है, यानी वो जो पीछे वाली जो जा रही है, इसका बच्चा है नहीं, फिर भी वो मुंह में दबा दबा के लेके जा रही है दूसरे के बच्चे को। अब पता नहीं क्यों, और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको कुछ मालूम होगा तो क्यों कैट ऐसे करती है, दूसरे बच्चों को लेके जाती है। आ जा ऊपर आ जा, जबकि वो बच्चा इस बिल्ली का है। तो वो कैट जो है ग्रे वाली, ये वाला बच्चा इस बिल्ली का है। तो ये लेके जा रही है इसको उठा उठा के बार बार मुंह में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लेके जा रही है, क्यों कर रही है ये ऐसा। और बहुत लड़ाई कर रही है ये बिल्ली, इतना लड़ाई कि छत के ऊपर चढ़ के पूरा तोड़ के रख दी है, पूरा छत तोड़ के रखी है। सो जाओ, काट रही है को। करो मस्ती करो। हाँ मेरा बता रहे, काट रही हूँ मेरे को, अब बोलो। तो ये रहा मेरा बेटा, मुझसे नाराज़ है वो, क्योंकि कल उसने खाए थे फटके मार के, क्योंकि बिकॉज जो स्टैंड है ना ऊपर, जो शेल्फ लगाती हूँ मैं, उसे उसने खींच खींच के पूरा निकाल दिया, जिसके वजह से मेरी ट्रॉफी गिर गई, पूरा सामान ऊपर से सब कुछ गिर गया था, इसके वजह से वो नाराज़ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मोबाइल में कितना देर बैठेंगी? कब से सुबह से बैठी, उठने के टाइम से सीधा। मम्मी अंदर ये करके एक डाल बोल के सुबह से लेके बैठी, सोचो। और तू? मैं तो अभी ले रहा हूँ। सच में मैं मोबाइल से इतना परेशान हो गई हूँ जब से इन लोगों की छुट्टी लग गई, इतना मोबाइल में बिजी रहते ये लोग, इनकी आदत बदल नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा वाईफाई को बंद ही करवा दूँ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ये या पासवर्ड उसका चेंज करवा दूँ मैं। तो मुझे पकाना है ब्रेकफास्ट, तो अब मैं जल्दी जा रही हूँ किचन के अंदर, क्योंकि मुझे पकाना है, टाइम हो रहा है काफ़ी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। फाइनली आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब मैं प्रिपरेशन करूंगी जो पोहा, उसकी तैयारी के लिए। तो सबसे पहले मैंने गैस पे रखा है एक पतीली, और ये रही साइड में जो कुकर पे मैंने आलू अच्छे से रखा है, इसकी सीटी निकाल कर रखा है। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो पतीली है उसे रखी हूँ, और इसी के साथ ही साथ मैंने पहले सोचा कि चाय भी रख देती हूँ गैस पे, क्योंकि मुझे चाय चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ मेरा माइंड जो है सुबह सुबह उठते मुझे पहले चाय तो चाहिए, अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय। तो वापस से चाय रखना पड़ा, क्योंकि चाय सब फिनिश हो गई थी वापस से। सबसे पहले मैं प्रिपरेशन करूंगी, ये पोहा है, जितनी क्वांटिटी में आप ले सकते हो उस हिसाब से लीजिए, लेकिन घर में सब लोग बहुत शौक से पोहा खाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में पोहा लिया है, ताकि पोहा को सबसे पहला मैं पानी में ऐड करके, यानी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, पानी हल्का हल्का ऐड करके उसे अच्छी तरह से मैं नरम कर लूँ। तो पोहे को आपको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हल्का हल्का मैं छिड़क रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए पोहा। आपको बिल्कुल चावल के पानी की तरह गिद्धा नहीं करना है, इसे अच्छी तरह से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी पूरा। तो इसे सॉफ्ट करके रखूँगी मैं 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक मैं प्रिपरेशन करूँगी जो मसाला है, यानी जो मैंने जो कटिंग करके रखी है ऑनियन, उसकी मैं प्रिपरेशन करूँगी। इसे मैं रखूँगी साइड में 2 से 3 मिनट के लिए नरम होने के लिए, और बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई करना जैसा मैं रेसिपी बना रही हूँ आज। सबसे पहला तपेली में मैंने ऐड किया 2 चम्मच ऑयल। तपेली काफ़ी ज़्यादा देर से गर्म हो रही थी, मेरा भी ध्यान निकल गया था पोहे के चक्कर में, और मेरे फ़ोन्स भी आए थे कुछ तो चक्कर में सुबह सुबह। तो 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर लिया है इसमें। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ऑनियन, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, अच्छी तरह से सुनहरा कलर में लाने तक का मैं इसे ऐड करके भूनूंगी।
तब तक का मैं साइड में आपको दिखा देती हूँ कि आलू जो है बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो आप ये देख सकते हो आलू अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए। तो मैंने क्या किया, इसे रेहान को जो मेरे बड़े बेटे को बोला कि बेटा बैठे बैठे तुम छील लो, नाना भी साथ में यानी मेरे अब्बा साथ में ये कटिंग करते हुए बैठते हैं तो अच्छी तरह से हेल्प हो जाएंगी मुझे। तो ये मैं अच्छी तरह से सुनहरे कलर में इसे भून रही हूँ। तो मेरे अब्बा भी तो जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने सोचा चलो वो भी हेल्प करते रहते काम में पकाने में, और मेरे अब्बा बहुत अच्छे शेफ है तो सारे आलू वो अच्छे तरह से बारीक कटिंग कर रहे हैं। ऑनियन अच्छे तरह से लाल और करना है, अभी तक लाल नहीं हुआ है। तब तक का मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए पोहे कितने सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसे आप है ना 2 से 4 मिनट अच्छी तरह से पहले थोड़ा हल्का पानी डालिए, ज़्यादा पानी आपको डालकर राइस नहीं बनाना इसका। तो ये 2 मिनट पहले मैंने इसे पानी में ऐड करके रखा था हल्का छिड़क कर। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से ऑनियन लाल सुनहरे में आ चुके हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, चुटकी भर ऐड करूँगी, ज़्यादा कलरफुल मैं हल्दी नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि पोहे में अलग ही टेस्ट आता है हल्दी ऐड करने के बाद, यानी स्मेल जैसी आती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरह से मैं पहले मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी साथ ही साथ। आप चाहे तो इसमें सेंगदाना भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बच्चों को सेंगदाना पसंद नहीं है इसलिए मैं उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, नमक अपने हिसाब से ऐड करें। तब तक का बाजू में आप देख सकते हो चाय यहाँ पे बनने में आ रही है, चाय मुझे पीना भी था तो ये मैं अच्छी तरह से इसे भून रही ताकि जो हल्दी का स्मेल है वो निकल जाए इसके अंदर से। अभी अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो आलू है, देखिए डैडी ने आलू अच्छी तरह से कटिंग कर लिए हैं, सारे आलू को अच्छी तरह से मैं ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आलू को अच्छी तरह से ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। नमक आप थोड़ा कम ही डालिए बिकॉज नमक ज़्यादा ऐड करने के बाद है ना खारापन ज़्यादा दिखता है, इसलिए नमक लिमिट से ऐड करिए। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जो पोहे हैं जो नरम सॉफ्ट हो चुके हैं वो ऐड करने के बाद इसे टेक्सचर को बहुत स्लो आंच पे, बिल्कुल गैस को स्लो रखना है, गैस फास्ट नहीं करना है आपको। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सारे टेक्सचर, जो मसाला है जो ऑनियन, सबसे ज़्यादा मज़ा तो ऑनियन का ही आता है। तो इसे मैं इस तरह से कर करके पूरा अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो फाइनली मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी मैं इसमें से थोड़ा सा लेकर टेस्ट करूँगी नमक कैसा है। तो परफेक्ट सुपर बना है, आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें गार्निश कोथमीर ज़रूर ऐड करना क्योंकि वही टेस्ट है इसका। कोथमीर ऐड करने के बाद इसका जो लुक है माशाल्लाह बहुत डिलीशियस भी दिख रहा है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसे अच्छी तरह से सबको सर्व करूँगी और ये गरम गरम ही खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ नज़दीक से, तो ये देख सकते हो आप कोथमीर को भी मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अभी ये बन चुका है, रेडी हो चुका है, सबको लगी है भूख। तो सबसे पहले प्लेट में मैं दूंगी मेरे डैडी को लेके जाके, पहले उनको दूंगी क्योंकि उनको भूख लगी है और उनको भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है सुबह का नाश्ता। तो सबसे पहले मैं अपने डैडी को दूंगी ये पोहा उनको दे के आऊँगी। और मेरा पूरा रोज़ का रूटीन इसी तरह से चलता है काम का, क्योंकि घर में बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी मुझे देखना है, कोई करने वाला नहीं है आगे पीछे, तो उस हिसाब से अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेके चलना पड़ता है। तो ये सबसे पहली प्लेट लेकर जाऊंगी मैं अपने डैडी को देने के लिए। पापा पापा फिर मैं आ गई किचन पर और बच्चों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बच्चे लोगों को भी पूछ रही हूँ कौन कौन खाने वाला है। तो तीनों ने कहा कि हम लोगों को भी लगी है भूख। तो ये मैं प्लेट निकाल रही हूँ असद के लिए और निकाल रही हूँ रेहान के लिए, सबसे पहले इन लोगों को दे दूँ। तो ये प्लेट निकाल कर मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया है कि चलो वो पहले खा लेगा। तो उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन पर, ये वाली प्लेट मैंने दे दी हूँ असद को जो मुझसे नाराज़ है, तो खैर वो प्लेट लेके चला गया। ये थर्ड वाली प्लेट है वो मैं मेरे लिए निकाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि तैयबा कहाँ चले गए, तैयबा क्यों नहीं खा रही। तो ये पहले मीठू को मैं देने जा रही हूँ क्योंकि मेरे मीठू को भी पहले तो सुबह सुबह उसको खाना चाहिए, बहुत याद कर रहा है मीठू मीठू करके। तो मैंने बोला मीठू ये ले लो बेटा,
तो ये मिठू की रही प्लेट। फिर मैं आई हूँ किचन पर और अगली प्लेट बन रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी तैयबा को बिल्कुल पोहा पसंद नहीं है, तो उसने सुबह ब्रेकफास्ट में अंडा और पाव खा ली थी। तो उसको मैंने फिर भी पूछा खा ले बेटा, तो वो क्या कहती है आप सुन लीजिए उसके मुँह से। तो ये मैंने लिया है मेरे लिए पोहा। एक बार टेस्ट तो कर। अच्छा एक निवाला खा ले, एक निवाला खा के तो देख कैसा है। देख बस फाइनली आपने उसके मुंह का रिएक्शन देखा ही होगा। तो ये देख सकते हो आप, अभी मैं भी टीवी के मज़े ले रही हूँ मेरे बेटे के साथ, वो जो गेम देखते रहता है, तो मुझे भी बोल रहा देखने के लिए। तो साथ ही साथ हमारी कैट है तो ये भी टीवी देख रही है, देखो कितनी अच्छी तरह से कार्टून देख रही है ना। तो ये भी चलते रहता है क्योंकि आज बहुत काम है घर के अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूटीन घर का पूरा। तो अभी मैं सबसे पहला, अब बज गए हैं, आज मैं आपको खाना नहीं बताई कि मैं कैसे बनाई हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी खाना मैंने बना ली हूँ। करीब बज रहे 12:30, जिसमें अभी मैं इतने सारे बर्तन, ये सारे बर्तन मैं वॉश कर लूँगी। बर्तन होने के बाद साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे आज, और आज मैं काम इसलिए निपटा रही हूँ क्योंकि मंडे को तैयबा को लेके जाना है मुझे। तो ये सारे बर्तन मैं अच्छी तरह से वॉश करके रख लूँगी और आपको दिखा देती हूँ मैं कि मैंने ये कपड़े बर्तनों के साथ मैं साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी लगाई हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं आज, और ये आज धोकर निकालना है। तो आपको मैं किचन भी दिखा देती हूँ। किचन में आने के बाद देखिए पूरी साफ़ सफाई मैंने किचन की अच्छी तरह से कर ली हूँ, और ये आज मैंने बनाई हूँ, आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या बनाया है खाने में। तो ये बनाई हूँ आज, बनाई हूँ दाल और आलू। बच्चे लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि दाल बनाने का है, चिकन खा के उब चुके हैं, तो मैंने बोला चलो ये दाल आलू मैंने अपने तरीके से बनाई हूँ, और साथ ही साथ मैंने राइस बनाई हूँ आज। किचन अच्छी तरह से पूरा क्लीन हो चुका है और ये देख सकते हो आप। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा लाडला नवाब सो गया है, 1 बज रहे तकरीबन अभी, तो वो बहुत आराम कर रहा है क्योंकि उसको भी अभी क्या कॉलिंग का जो सिखा रही हूँ ना ट्रेनिंग में, तो उसमें वो बिज़ी है और थक जाता है। तो मैंने ठीक है थोड़ा आराम कर लो, तो मैं फिर से गई बाहर के पूरे बर्तन आपको दिखा देती हूँ। इतने बर्तन बचे हुए हैं तो मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपसे बात करती हूँ। फाइनली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एवरीवन, और कोशिश करना कि आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें। सारी जिम्मेदारियों को पूरे अच्छी तरह से लेना पड़ता है मुझे, क्योंकि बिकॉज़ ये मेरे बच्चे आज मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं इनका ध्यान नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। तो बर्तनों को कंप्लीट करते करते मैं आज संडे के वक्त में पूरा काम इसलिए निपटा रही हूँ क्योंकि मंडे के दिन मैं अगर जाऊँगी ना तो यहाँ पर घर में कुछ काम नहीं रहे, क्योंकि बच्चे लोगों को फिर खाना वाना सब लोग वो अपने हाथों से ले लेते हैं गैस पर जला कर अच्छी तरह से। तो ये मैं काम निपटा के ले रही हूँ। बर्तन धोते धोते मुझे बीच में से उठना पड़ रहा था वॉशिंग मशीन देखने के लिए, क्योंकि बहुत आज कपड़े कम से कम 4-5 रस्सी आज कपड़े रह गए थे। तो ये एक एक करके मैं सारे कपड़े इसमें निकाल रही हूँ ड्राई क्लीन तीन। मैं जो कपड़े वॉश करती हूँ वो 3 दिन के बाद ही वॉश करती हूँ, क्योंकि बिकॉज़ इतना टाइम रोज़ डेली वॉशिंग मशीन निकालने का नहीं आता है। तो सारे कपड़े मैं इसमें अच्छी तरह से निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने कपड़े लगते हैं आज रस्सी पे। तो कम से कम 4-5 रस्सी है, कुछ कपड़े मैंने बाहर भी रख दिया। तो फाइनली सारे बर्तन हो चुके हैं मेरे धोकर, और मेरी बेटी मुझे बहुत हेल्प कर रही है। जाने से पहले भी बोलती है मम्मी मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना, मैं हेल्प करती हूँ, पहले रहने दो मैं कर लूँगी बेटा, आप सिर्फ इतना हेल्प करो कि थोड़े बर्तन लेके आ जाओ बाहर से जो। तो देखो वो भी हेल्प कर रही है मुझे। बाहर के सारे बर्तन होने के बाद फाइनली अभी मैं ये जो ज़मीन है इसे अच्छी तरह से काड़ी की झाड़ू से रगड़ के धो लूँगी। इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सर्फ क्योंकि बिकॉज़ बर्तन धोने के बाद चावल के दाने यहाँ वहाँ गिर जाते हैं, तो इसे मैं पूरी ज़मीन को अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। अभी रह गया है मेरा सिर्फ वॉशिंग मशीन में कपड़ों का काम, कपड़े बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी बाहर का जो आंगन। ये कचरे का जो डस्टबिन है, मेरा बेटा उठेगा बड़ा वाला तो वो फेंक देगा, तब तक का मैं इसे साइड में रख देती हूँ।
इतने थकावट से मेरा पूरा काम बाहर का हो चुका है, पूरे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। आप देख सकते हो सिर्फ अभी रह गया है वॉशिंग मशीन का काम, वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं तो उसे वो करते जाऊँगी। अब ये सारे जो कपड़े हैं मैं उसे अच्छी तरह से निकाल लूँगी और रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारे अंदर के जो वॉशिंग मशीन के कपड़े वो लगाना है। तो एक एक करके मैं सारे कपड़े से निकाल लेती हूँ, क्योंकि सारे काम पूरा चीज़ मुझे अकेले को देखना होता है। तो ये सारे कपड़े मैं निकाल लेती हूँ। कपड़े निकालने के बाद फाइनली मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ लास्ट में कि कितना बच गया मुझे आज काम करते करते। तो बहुत सारे कपड़े थे होने के बाद, अब आप देख सकते हो पूरी जगह रस्सी के खाली हो गए। अब मैं एक एक करके सारे कपड़े जो है यहाँ पर लगा लूँगी। हमारे यहाँ स्पेस बहुत अच्छा है कपड़े लगाने का, तो ये एक एक करके मैं सारे कपड़े यहाँ पर लगाते हुए जाऊँगी। तो मेरे को कपड़े लगाते हुए देखते हुए मेरी बेटी ने कहा, मम्मी मैं भी लगाती हूँ, मैं भी आपको हेल्प करती हूँ। सच कहती हूँ आपको, एक माँ का दर्द है ना, उसकी बेटी ही सबसे ज़्यादा समझ सकती है। क्योंकि बिकॉज सुबह से सिर्फ मैंने पोहे का जो ब्रेकफास्ट किया है, अभी हो गए हैं दोपहर के 2 बज के टाइम चला जा रहा है, तो भी फिर उसने देखा इतने कपड़े हैं, मम्मी आप लगा रहे तो मैं लगाती हूँ। तो दिखा देती हूँ आपको फाइनल कितने कपड़े मैंने लगाया है। तो ये देख सकते हो पूरी लाइन भर चुकी, अभी भी कपड़े लगाना बाकी है। अभी वॉशिंग मशीन में इतने कपड़े बाकी है मैंने निकाला, और ये भी कपड़े अंदर से है। तो ये कपड़े होते होते अभी मेरी जो कैट है आप देख सकते हो, सारी कैट आराम कर रही है, इनको अभी मुझे देना है खाना। तो इनको आवाज़ देने सुनिए, चलो 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 आ जाओ चलो चलो बेटा खाना खाने, माँ चलो आ जाओ बेटा आ जाओ, चलो भूख लग रही है, आ जाओ आ जाओ, टाइम हो गया है आज, आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चे आ जाओ। चलो कितना देर से इन लोग पेशेंस रख रख के, मेरी सारी कैट है वो उतना ध्यान दे रहे थे, उनको भूख लग रही थी लेकिन बेचारे फिर भी एकदम आराम से सो रहे थे। लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं समझता, मैं सोचती हूँ उनको वक्त पे जल्दी जल्दी खाना दे दूँ, क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिज़ी हो जाती हूँ घर के कामों में। आप देख सकते हो कितना काम आज भी निकला है। तो ये मैं उन लोगों को जल्दी दे देती हूँ, साथ ही साथ मैं कैंडो को भी दे देती हूँ खाना, क्योंकि उसको दूँगी आज दाल राइस, आज दूंगी उसको दाल राइस। और मेरी जो कैट है उसके लिए मैंने फ़िश अच्छी तरह से आपको दिखा देती हूँ, फ़िश मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके रख लिया है। ये रही मेरी कैट की फ़िश, इन लोगों को मैं फ़िश दूंगी क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह से बॉईल करके रख लिया था। साथ ही साथ अभी मैं इसे निकालूंगी और इनको बिल्कुल काटा रिमूव करके ही दूँगी खाना। तो ये मेरे कैंडो को दे रही हूँ सबसे पहले दाल और चावल, बिकॉज़ मेरे कैंडो को मैंने मच्छी की आदत, बिल्कुल मटन मच्छी की आदत नहीं डाली हूँ उसको, सिर्फ मैं देती हूँ पेडिग्री, दाल चावल और दही चावल। तो उसे मैं आज दे रही हूँ दाल, और साथ ही साथ मेरी जो कैट है उसको मैं ये पानी अच्छी तरह से बॉयल करके, इसके अंदर गार्लिक जिंजर का पेस्ट और नमक सॉल्ट रहता है, तो ये ऐड करके इन लोगों को थोड़ा पतला पतला जैसा चाहिए पानी के, ताकि ये स्मेल आए तो ही ये खा पाते हैं। तो ये निकाल के दूंगी, और साइड में आप बेफिक्र रहिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने स्पून क्यों लिया, तो ये स्पून मैं अलग से रखती हूँ, ये बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करती हूँ किसी में भी। अभी मैं इसमें से निकालूंगी एक फ़िश, और आप देख सकते हो मैं इसके सब सिर्फ गोश्त इसका निकालूंगी, बाकी कि इसके अंदर के जो भी कांटे हैं उसको निकाल कर मैं साइड में इस तरह से कर दूंगी। मैं सिर्फ उन लोगों को गोश्त ही देती हूँ, और उन लोगों को जो है ना कांटे बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते खाने वाले तो हलक में किसी के फंस ना जाए, जबकि वो अच्छी तरह से चबा लेते, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेती हूँ किसी भी जानवर के मामले में। प्लेट हो गई है रेडी, अब मेरा सारा कुनबा देखो कैसा कैसा चिल्ला चिल्ला के पीछे लगते, सुनिए जरा और देखिए भी। दीदी के साथ जाओ जाओ, चलो 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 बाहर बाहर चलो, वहीं रख दे लाइन में, आगे आगे जाओ आगे, या कचरे का उमर बनाओ, संभाल संभाल सबको, नाइलन से रखना है एक एक बच्चे सब आ गए, वो देखो पीछे रख दो, वहां रख एक आगे रख, यहाँ पानी रखो इनको नीचे। आप देख सकते हो ये पूरा कुनबा है मेरे घर के कैट का, और साथ ही साथ ये लोग इतना सुकून से ये खाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी पेट भर गया है। तो यहाँ मेरा कैंडो अपने दाल राइस को इंजॉय कर रहा है, तो ये मेरा बेटा हीरो बन के जा रहा है। आज थोड़ा अभी नाराज से हट गया तो ये अच्छा दिख रहा है एकदम, अभी जा रहा वो शादी में, बाजू वाले लोगों ने शादी में। मैं आपको दिखाती हूँ बच गए हैं 3 और मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है, ये फाइनल और कपड़े बाकी है, अभी ये हो जाए और फिर इसका पानी मैं पूरा निकालूँ, फिर वॉशिंग मशीन को भी साफ़ करना है एक बार अच्छी तरह से पोंछ लूँगी मैं। और ये रही फाइनल, अभी ये कपड़े, बहुत थक गई, भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, लेकिन सच बता रही हूँ खाने
खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि वक्त इतना निकल जाता है, घर के काम में इतना हो जाता है ना, तो सच में इतना मन ही नहीं करता कि कुछ खाऊं। और साथ ही साथ मेरी तबीयत भी थोड़ी ये हो जा रही थी बीच बीच में कि वीकनेस हो रहा था, बीपी डाउन लग रहा था। तो मैं सबसे पहले ये वॉशिंग मशीन को क्लीन करके हटा दूँ यहाँ से पूरा अच्छी तरह से। मैं पानी इसमें ऐड कर ले रही हूँ, और ताकि ऐड करने के बाद सारा पोंछ कर मैं कपड़े से अच्छी तरह से इसे पूरा, ये जो पानी है आप देख सकते हो ड्रम भी खाली हो गया, बिकॉज़ पानी तो आता ही रहता है, पानी का टेंशन नहीं है हमारे यहाँ। तो ये रहा, मैं फाइनल इसको साफ़ अच्छी तरह से कर रही हूँ, कोई भी गंदगी हो कॉर्नर की हो तो ये अच्छी तरह से पूरा निकाल ले रहा है। तो ये वॉश करने के बाद फाइनल मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ कि कितने कपड़े लगे हुए। तो आप देख सकते हो बाहर भी आप, ये मेरा कैंडो यहाँ सो रहा है, आराम है इसका। मेरी कैट यहाँ पर खाना खा के देखिए कितने चावल उसने गिरा दिए, इसलिए इनको यहाँ पर देना पड़ता है, और ये यहाँ पर इनकी मीटिंग बैठी हुई है अभी। तो ये फाइनली मैं वॉशिंग मशीन को अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ अभी, क्योंकि वॉशिंग मशीन इसलिए साफ़ करके ले रही हूँ, अभी मैं यूज़ करूँगी 3 दिन के बाद। तो ये अच्छी तरह से मैं पूरा इसे क्लीन करके ले लूँगी। तो वॉशिंग मशीन अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है, अभी मैं इसे निकालूँगी। और आप प्लीज़ हो सके तो सारे जो इसके प्लग है, प्लग निकालना है पहले आपको, क्योंकि प्लग निकालने के बाद ही इसे वॉशिंग मशीन को अच्छी तरह से साफ़ करना आपने। तो मैंने तो पहले से प्लग निकाल दी थी, उसके बाद ही मैं इसे क्लीन करती हूँ। वॉशिंग मशीन क्लीन अच्छे से हो गई, अब चलो भाई साहब अंदर आप चले जाओ। आपको दिखाती हूँ आज कपड़े कितने लगे हुए, ये देख सकते हो। अब ये पूरी रस्सी भर कपड़े लग चुके हैं, साथ ही साथ ये वाले भी रस्सी पूरे कपड़े लग चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले रस्सी पे भी पूरे कपड़े लग चुके हैं, और आपको दिखा देती हूँ बाहर भी आपको दिखा देती हूँ, बाहर भी रस्सी पर कपड़े लग चुके हैं। तो आज बहुत सारे कपड़े लग चुके हैं, जिसकी वजह से मैं भी बहुत थक गई हूँ, कपड़े धो धो के लगा के। तो काम पूरा हो चुका है घर में, अब सुकून है। तो ये मेरी बेटी ने लेके आई चाय, आप सोच रहे खाना क्यों नहीं खा रही हो, तो भूख मिट गई है, अब दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं अभी खाना खाऊं। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा एवरीवन, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी दुआएं ज़रूर बनाए रखें। थैंक यू।